प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। करियर क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर और टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासें रेगुलर चलाई जा रही है। तो लास्ट वीडियो में अपने टेंथ क्लास का टॉपिक मैथ का समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी में दो चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए थे, 5.1 और 5.2। 5.1 में अपने पढ़ा था कि एक समांतर श्रेणी को कैसे बनाया जाता है और 5.2 में अपने अनवा पद निकालना सीखा था। ठीक है, तो आज अपने आगे नई शुरुआत करते हैं, 5.3 चैप्टर करेंगे और 5.3 में क्वेश्चन है वो अनपदों से संबंधित, अनपदों के योगफल से संबंधित क्वेश्चन अपने करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले अपने को फॉर्मूला का पता होना चाहिए और सबसे पहले अपने फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। तो देखना, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यहाँ देखिए पदों की संख्या आपको दी हुई है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले कब कब लागू होते हैं वो देखिए। पहली कंडीशन है इसकी कि जब आपको प्रथम पद दिया हो, जब प्रथम पद a सार्व अंतर d, सार्व अंतर d दिया हो, n पदों की संख्या होगी, प्रथम पद a होगा और सार्व अंतर वहाँ पे क्या होगा d होगा, तो योगफल कैसे लिखेंगे, योगफल लिखेंगे एस एन से लिखते हैं, n बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला रहेगा। तो इस फॉर्मूले में देखिए n दिया हुआ होगा, n क्या है, पदों की संख्या है, a यहाँ पर प्रथम पद है, वापस एन यूज हो रहा है, तो एन पदों की संख्या है, कितने पद हैं सीरीज में, और डी सीरीज का सार्व अंतर कितना है वो है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रथम पद ए तथा अंतिम पद या इसको आप एनवा पद भी बोल सकते हो, एनवा पद ए एन दिया हो, अंतिम पद को अपने एल से लिखेंगे या अनवा पद बोले तो ए एन से लिखेंगे। ठीक है, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर होता है एन बटा दो इंटू ए प्लस एल, और एल की जगह आप ए एन भी लिख सकते हो, एन क्या है पदों की संख्या है, ए प्रथम पद है और एल है अंतिम पद या अनवा पद जो भी। ठीक है, तो आप इसको लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर 5.3 और 5.3 के पहले के दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज दी हुई 2, 7, 12 और 10 पदों तक इसका टोटल ज्ञात करना है। तो इसमें जो जो दिया हुआ वो लिख लीजिए आप, प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है 2, सार्व अंतर डी आप निकाल सकते हो, 7 माइनस 2 करोगे यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 5, तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई 5, और एन क्या चीज़ है, एन है पदों की संख्या जो आपको यहाँ दी हुई, कितने पदों तक ज्ञात करनी है 10 पदों तक, एन का मान कितना दिया हुआ है 10, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा दो और इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, एन कितना दिया हुआ है 10, तो 10 बटा दो टू इंटू ए कितना है 2 है प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 और सार्व अंतर डी कितना है यहाँ पर 5, यहाँ देखिए 10 बटा 2 करोगे तो कितना आएगा 5, और इसको आप लिख सकते हो 10 पदों का है तो एस 10 से लिखेंगे, एस 10 5 आ गया। अब देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 10 माइनस 1 9, 9 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, यहाँ देखिए 45 और 4 कितने होते हैं 49, और 49 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, 49 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 9 × 5 = 45, फिर बचा 4, 5 × 20 और 4 कितने होते 24, 245, यानी 10 पदों का योग, इस सीरीज के 10 पदों का योग कितना आएगा 245 आएगा। सेकंड देखिए, प्रथम पद लिखिए इसका कितना है, प्रथम पद है माइनस का 37, सार्व अंतर डी कैसे निकालते हुए, द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद माइनस का 33 और इसमें से घटाना है माइनस का 37, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, और माइनस का 33 है और प्लस का कितना है 37,
कितना बचेगा, प्लस का चार, तो डी आ जाएगा प्लस का चार। ए प्रथम पद है, कितने पदों तक, 12 पदों तक, तो एन की वैल्यू कितनी है, 12। फॉर्मूला लगाएंगे एस 12 एन बटा दो यानी 12 बटा दो इंटू टू ए, टू इंटू ए की वैल्यू कितनी, माइनस 37, टू इंटू माइनस 37, और प्लस में एन माइनस 1 करोगे तो एन की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 1, और इंटू डी लिखोगे, डी कितना दिया हुआ है, 4। फॉर्मूले में मान रख दिया, 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, एस 12 से लिखोगे, 12 बटा 2 करोगे तो कितना आएगा, 6। 37 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 74, आगे किसका निशान माइनस का आएगा, माइनस का 74। 12 माइनस 1 करोगे तो 11, 11 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 44। माइनस का 74 और प्लस का 44 कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, तो एस 12 बराबर कितना होगा, 6 इंटू माइनस का 30, और माइनस का 30 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 * 3 = 18, यानी 180 आएगा, वो भी किसका, माइनस का, तो 12 इस सीरीज के 12 पदों का योग कितना आएगा, माइनस का 180। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, सीरीज है 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक इसका टोटल आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम पद लिख दीजिए, प्रथम पद कितना दिया है, 0.6। सार्वंतर कैसे करोगे, 1.7 माइनस में 0.6 करोगे तो कितना आएगा, 1.1, सार्वंतर आ गया 1.1। और अन्य पदों की संख्या दी हुई है, कितने पदों तक ज्ञात करना है, 100 पदों तक। फॉर्मूला आपको पता है, एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगा हुआ एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 / 2 एस 100 आपको ज्ञात करना है। टू इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है, 0.6 लिख दीजिए, एन माइनस वन यानी 100 और माइनस में कितना करना है, 1, और इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1.1। अब देखिए, 100 / 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50, और 0.6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.2। अब देखिए, 100 - 1 99, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1.1 से, तो 99 का मल्टीप्लाई 1.1 से कर दीजिए, 99 * 1.1 करोगे तो कितना आएगा, 99 को 11 से कर दीजिए, 99 और 99, 9 * 9 = 18, 1 * 9 = 10 कितना आया, 1089, और 1089 पॉइंट एक अक्षर पॉइंट छोड़ के, तो ये देखिए 108.9, और इसमें कितना ऐड करना है, 1.2 ऐड करना है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 1.2 कितना आएगा, 9 और 2 = 11, असल कितनी 1, 8 और 1 = 9, और एक असल वाला कितना हो गया, 10, वो असल आगे चली जाएगी 1, और एक कितना हो गया, 110.1, तो 50 * 110 कितना हो गया, 1, और ये कितना, कितने पदों का है, 100 पदों का, तो एस 100 यहाँ लिखोगे। यहाँ देखिए, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ कितना आएगा, 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आता है, 1 0 आती है आगे, अब 10 से काट दीजिए, ये 0 से 0 चली जाएगी, क्या बचेगा, 5 का मल्टीप्लाई बचेगा किससे, 1101 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, पता है आपको, 1101 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5, फिर कितना, 0, फिर 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, फिर 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, यानी 55 * 0 = 5 क्या आएगा, इसके 100 पदों का योगफल आएगा। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग दे दिया इसने क्वेश्चन को, भिन्नों के रूप में दे दिया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो डाटा चाहिए वो लिख दीजिए, प्रथम पद कितना, 1/15, सार्वंतर निकालना है डी, सार्वंतर डी कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, तो 1/12 माइनस में क्या करोगे, 1/15 निकालना आता है, भिन्नों को हल करना आता है, क्या लेंगे, एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60, एलसीएम 60 आया, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 1 से कर दीजिए ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 5, और 15 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और 4 से ऊपर कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1/60, सार्वंतर डी कितना आया, 1/60 आ गया, ठीक है। कितने पदों का, 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, एन की वैल्यू कितनी है, 11 है। फॉर्मूला क्या हो, एस 11 कैसे लिखोगे, एन बटा दो यानी 11/2 * 2a
टू इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस एन माइनस वन यानी 11-1 और इंटू डी करोगे तो 1/60 और ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए 11/2 ये कितना बनेगा 2/15 बनेगा, 2/15 और 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10 और 10/60 करोगे तो कितना है 10/60 करोगे तो 0 से 0 चला जाएगा यानी 1/ कितना होगा 6, 1/6। अब अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 11/2 एलसीएम कितना आएगा 15 और 6 का एलसीएम कितना आता है 30। 30 लघुत्तम आने के बाद क्या करेगा 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, वो ऊपर वाले 2 को कर दीजिए, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4। अब 6 को 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से मल्टीप्लाई ऊपर 1 को कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो 5 और 4 कितना हुआ 9, तो ये हो जाएगा 11/2 और गुणा 9/30 काट दीजिए 3 से, 3 दिया 9 और 10 दिया 30 यानी कितना आएगा 11 का 3 से मल्टीप्लाई करो 33 और बट्टा कितना आ जाएगा 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20। तो एस 11 यानी 11 पदों का योगफल कितना आएगा, एस 11 कितना आएगा 11 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना 33 और बट्टा 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 × 2 = 20 तो आंसर कितना आएगा 33/20। तो आप इसको ध्यान से समझो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके सामने हैं। पहला पार्ट क्या है 7 + 10 = 1/2 प्लस में 14 और प्लस लास्ट पद दिया इसका 84। देखिए इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, प्रथम पद दे दिया और अंतिम पद दे दिया, ये देखते ही आपके दिमाग में आएगा फॉर्मूला कौन सा n/2 × a + l और a + l वहाँ पर अंतिम पद होता है, पर उससे पहले n/2 करोगे तो n क्या चीज़ है वहाँ पर पदों की संख्या, यहाँ पर आपको पदों की संख्या की ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पद लिखे हुए हैं पदों की संख्या यहाँ पर नहीं लिखी हुई। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पदों की संख्या निकालेंगे और पदों की संख्या किस कंसेप्ट से निकालेंगे, जो लास्ट क्लास में आपने 5.2 चैप्टर किया वहाँ पढ़ा अन्वय पद का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की सहायता से यहाँ आप पहले क्या निकालोगे पदों की संख्या, एन की वैल्यू मिलने के बाद फॉर्मूला लगा देना योगफल का। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है, जो सीरीज में दी हुई है वो लिखो पहले। तो प्रथम पद दिया हुआ कितना 7, सारवंतर देखिए कैसे निकालेंगे, इस पद में से ये पद घटाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, तो इसको थोड़ा सोल्व कीजिए 10 × 2 = 20 और 1 कितना हो गया 21, 21/2 माइनस कितना करना है 7, 21/2 एलसीएम कितना आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 21 और 7 का 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 21 में से 14 गए तो फिर कितना बचा 7, 7/2 डी कितना मिल गया 7/2। जब प्रथम पद और आपके पास सार्व अंतर हो तो आप उस सीरीज में पदों की कितनी संख्या है वो निकाल सकते हो, कैसे nवां पद भी दिया हुआ है यहाँ पर, ए एन की वैल्यू दी हुई है कितना 84, तो nवें पद का फॉर्मूला आपको पता है, nवां पद ए एन बराबर क्या होता है प्रथम पद प्लस में n माइनस वन और इंटू डी, प्रथम पद nवां पद कितना दिया हुआ लास्ट जो पद होता है वो 84, प्रथम पद कितना है 7 84 बराबर, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन माइनस एन की वैल्यू आपको ज़रूरत है और डी कितना दिया हुआ है 7/2 दी, ठीक है सॉल्व कीजिए 84 - 7 होगा तो एन माइनस वन इंटू 7/2 वो कितना बनेगा 84 - 7 और 84 में से 7 घटाओगे तो कितना रहेगा 77। यहाँ देखिए ये 7/2 मल्टीप्लाई में है ना, आप उधर लेके जाओगे तो ये कितना बन जाएगा 2/7, 2/7 तो n माइनस वन बराबर कितना बन जाएगा 77 और गुणा 2 और बट्टा कितना 7, 7 से कट रहा है काट दीजिए 7 × 1 = 7 और 11 × 7 का कितना होता है 77, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 22, तो n माइनस वन बराबर कितना है 22, तो n कितना आएगा 22 + 1 होगा तो कितना हो जाएगा 23, यानी इस सीरीज में आपको पदों की संख्या पता चल गई, कितने पद हैं 23 पद, कितने हैं 23 पद और पदों की संख्या पता चलने के बाद एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर क्या होता है n/2 × a + l, l यहाँ पर क्या है अंतिम पद, तो एस 23 ज्ञात करना है कितना होगा 23/2, प्रथम पद कितना है 7 और अंतिम पद कितना है 84, 84 और 7 कितना आएगा
84 और 7 91, तो 23 इंटू 91 करो और बटा कितना कर दो, 2। इसको सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, 23 का मल्टीप्लाई कर देना 91 से और उसको डिवाइड कर देना 2 से। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 34 फिर 32 फिर 30 और लास्ट पद इसमें कितना दिया है, 10। यानी ये सीरीज है वो घटते हुए क्रम में आपको इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, पदों की संख्या। उसके लिए जो दो दो डाटा दिए हैं वो लिख दो आप। पहला क्या, प्रथम पद कितना दिया है, 34। सार्वांतर डी कैसे निकालते हो, 32 माइनस 34 करना पड़ेगा तो कितना आएगा, डी की वैल्यू आएगी माइनस का 2। माइनस का 2, सीरीज घटते हुए क्रम में तो सार्वांतर नेगेटिव आता है। उसके बाद nवां पद an भी दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10। nवें पद का फॉर्मूला लगा दो, nवां पद an बराबर क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। फॉर्मूले से आपको n निकालना है ना, nवां पद दिया हुआ है 10 है, लिख दीजिए 10। प्रथम पद भी कितना, 34। n आपको निकालना है n माइनस 1 और इंटू डी कितना दिया हुआ है, माइनस का 2। पक्षांतरण करोगे तो 10 माइनस 34 होगा, तो n माइनस 1 और इंटू माइनस 2 दिया हुआ है, ये बनेगा 10 माइनस 34 और 10 में से 34 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा, 24। माइनस का 24, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर कितना, माइनस का 24। 2 से उधर डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 कितना बनेगा, माइनस का 24 बटा माइनस का 2। माइनस माइनस गया, 2 से भाग दे कितना आएगा, 12। n माइनस 1 बराबर कितना है, 12। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, n की वैल्यू 12 प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 1 13। यानी इस सीरीज में पद कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, 13 है। अब आपको क्या करना है, 13 पदों का योगफल लिखना है। एस एन फॉर्मूला, n बटा 2 इंटू ए प्लस में एल। एस 13 ज्ञात करना है, n की वैल्यू 13 है, 13 बटा 2, प्रथम पद 34 है और अंतिम पद कितना है, 10। 34 प्लस में 10, 34 और 10 कितने होते हैं, 44। तो एस 13 कितना आएगा, 13 बटा 2 और गुणा कितना हो गया, 44। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 22। यानी क्या करना है, 13 का 22 से मल्टीप्लाई, 13 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 26, 6, 6 और 2, 8, 286, 286 आ जाएगा। कितना आएगा, 286। तो इस सीरीज के जो टोटल है वो कितना आएगा, 286। तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझो। देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या आपको नहीं दी, योगफल के दोनों फॉर्मूलों में पदों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रयास यही करना है कि पदों की संख्या आपको फाइंड करनी है और उसके बाद अन्य पदों के योगफल का फॉर्मूला लगा के टोटल ज्ञात कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए दूसरे का तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दे दिया, द्वितीय पद दे दिया, लास्ट पद आपको दे दिया और इसका आपको टोटल पूछा हुआ है ना, इन पदों का योगफल क्या है। तो प्रथम पद कितना है, माइनस का 5 है। सार्वांतर डी कैसे निकालते हो, सेकंड में से फर्स्ट घटाते हो, सेकंड कितना है, माइनस 8, इसमें से फर्स्ट करना है माइनस, यानी माइनस कितना, 5। ये कितना हो जाएगा, प्लस, तो डी कितना है, माइनस का 8 और प्लस का 5, कितना बचेगा, माइनस का 3। ठीक है, क्या मिल गया, सार्वांतर मिल गया, प्रथम पद मिल गया, अंतिम पद an यानी nवां पद दिया हुआ कितना है, माइनस का 230। पदों की संख्या पता करना है ना, तो nवें पद का फॉर्मूला लगा दोगे, nवें पद कैसे निकालते हो, nवें पद an बराबर क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। nवां पद कितना दिया, माइनस का 230। प्रथम पद कितना है, माइनस का 5। n माइनस 1 और इंटू डी कितना दिया हुआ है, माइनस का 3। सोल्व कीजिए इसको, इधर आएगा तो माइनस का 230 और प्लस का कितना आ जाए, 5। तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 ये आएगा, तो माइनस का 230 और प्लस का कितना, 5। कितना बचेगा, माइनस का 225 और n माइनस 1 और इंटू माइनस का 3। अब क्या करेंगे, माइनस का 3 उधर डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, n माइनस 1 बराबर माइनस का 225 और बट्टा माइनस का 3 गया। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करोगे तो 7 दिया 21, 1 और कितना, 15,
और 3 × 5 = 15, एन कितना आएगा 75, एन माइनस 1 बराबर कितना है 75, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 76। यहाँ से क्या हो गया आपको, इस सीरीज में कितने पद हैं उनका पता लग गया। अब पता लग गया तो फॉर्मूला लगा दो, एन पदों का योग। योग का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस में एल। एन कितना है, पदों की संख्या कितनी आई है इस सीरीज में, 76 पद है। S76 बराबर कैसे लिखोगे, 76 बटा 2, प्रथम पद कितना है माइनस का 5 और अंतिम पद कितना है माइनस का 230। टोटल करो 76 बटा 2 करोगे तो कितना होगा 38, माइनस का 230 और 5 करोगे तो माइनस का 200 कितना हो गया 35। S76 तो माइनस का 235 और उसका मल्टीप्लाई किससे होगा 38 से, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक समझो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए इस वीडियो में अपने 5.3 के 2 क्वेश्चन कर लिए, दोनों के 3-3 पार्ट थे, श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के फॉर्मूले लगाकर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और एक बात गौर से सुनिए, जब भी आप वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और उस वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक नहीं देखोगे, स्टार्ट करके आपने छोड़ दिया तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। और ये जो 5.3 चैप्टर आप करने जा रहे हो, उससे पहले अगर आप 5.1 और 5.2 यानी एक तो श्रेणी बनाना सीखना और एक उसका एनवी पद कैसे लिखा जाता है वो फॉर्मूले और उससे संबंधित क्वेश्चन है वो भी करें, उनको करने के बाद ही आपको ये चैप्टर वो समझ में आएगा। तो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।